एक सीरियस सीन हो गया है, वो भी एक्सप्लेन करना है। बाकी एक और बार आना है, देखते हैं अपना जो देकर आया हूँ वो रिपेयर होता है कि नहीं। अगर होता है तो उसके बारे में बात करेंगे, अगर नहीं होता है तो भी शायद से बात करूँ, क्योंकि दैट इज़ इम्पोर्टेंट। So hey guys, hi, this is Vishal and welcome back to the channel, and it's been a long time. As you all can see, we have a new background now. It's because I have come to my native. So aate hain mudde ki baat pe ki kya chal raha hai, kya scene hai. So first thing first, videos काफ़ी time तक नहीं आई because I was busy with some other work and obviously some other stuff that I was working on, and by that time मुझे time नहीं मिला videos बनाने का। Just excuse me, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा ही धूप निकल गई है। अभी सुबह इन द मॉर्निंग यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, बट अभी बहुत ज़्यादा धूप है। इसके अलावा मेन थिंग इज़ द दुबई सीरीज़, व्हाट्स गोइंग ऑन विद दैट। सो मैंने अपने पुराने एक वीडियो में बताया था कि मेरा कैमरा जो था वो वहाँ जा करके ख़राब हो गया था, और मैं इंडिया आने के बाद मैंने उसको फिक्स करवाया था। आई हैव सेंड इट टू हांगकॉन्ग एंड फिक्स्ड इट अप। सो एवरीथिंग आई हैड डन, और बाकी का मतलब कैमरा ख़राब होने के बाद बाकी का जो हिस्सा था वो मैंने अपने मोबाइल पे शूट किया था, जो था मेरा पोको F3 GT, जिस पर मैं गेमिंग वगैरह भी करता था। अभी सीन ऐसा हो गया कि आउट ऑफ नोवेयर पोको के मदरबोर्ड ख़राब होने लगे, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मेरे पास एक्चुअली उस टाइम पे स्पेस नहीं था कि मैं उसका बैकअप रख पाऊँ जो मेरे फ़ोन पे डेटा है। तो मुझे लग रहा था ठीक है फ़ोन पे है, मैं उसको निकालूँगा एडिट कर लूँगा, बट ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन जब कैमरा ख़राब हुआ तो वो टाइम पे मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई, और उस चक्कर में मेरे साथ ऐसा हो गया कि ना ही वो वीडियो आगे बढ़ी और ना ही मैंने अपने मोबाइल के वीडियोस को अपने डेस्कटॉप या फिर कोई बैकअप पे रख पाया उस टाइम पे। मैं मेरे पास कोई बैकअप था नहीं, तो एज़ आई वॉज़ नॉट हैविंग एनी बैकअप, मेरे साथ दिक्कत ये हो गया कि जब मेरे फ़ोन का मदरबोर्ड गया मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि इसको रिकवर कैसे करते हैं। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, जो मेरे को पहले तो लगा कि हार्ड ब्रेक हो गया, तो मैं उस हार्ट ब्रेक को रिजॉल्व करने के लिए गया, ट्राई किया बहुत कुछ, कुछ असर नहीं हुआ, कुछ रेजोल्यूशन मुझे मिला नहीं। उसके बाद पता चला कि ऐसा मदरबोर्ड डेड हो जाता है, तो मैं लेकर के गया उनके सर्विस सेंटर पे MI के, क्योंकि पोको और MI सर्विस सेंटर शेयर करते हैं इंडिया में। तो बैंगलोर HSR लेआउट पे मैं लेके गया, और व्हाट दे सेड कि सर इसका कुछ हो नहीं सकता, इसको मदरबोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसकी ओवरऑल कॉस्टिंग आएगी आपको 17,500 रुपये। वो उतना पैसा डालने का कोई पॉइंट बनता नहीं था, क्योंकि वो नया मदरबोर्ड ला के देंगे, बट पोको का मदरबोर्ड ही ऐसा सीन है कि वो तब रियलाइज़ होता है कि यार मैं अगर प्रोसेसर मदरबोर्ड ये सारा कुछ चेंज कर भी लूँ, क्या पता 6 महीने बाद ये फिर से ख़राबी हो जाए। और एक और चीज़ था कि मेरे फ़ोन पे जो डेटा है जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो माई फर्स्ट थिंग वॉज कि आप कुछ भी कर लो मुझे मेरा डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे दो, फ़ोन अगर नहीं भी चले कोई बात नहीं है, मुझे बस डेटा चाहिए, स्पेशली वो मोमेंट चाहिए जो मैंने कैप्चर करके रखा था दुबई से। ना ही मेरे पास कोई उसका फ़ोटोज़ है, बहुत थोड़े बहुत फ़ोटोज़ है, शुभ गया था मेरे साथ उसके पास से जितने भी मुझे फ़ोटो मिलना था वही कुछ चीज़ें हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ जो मैंने अपने पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड किया था या शूट किया था वो सारा कुछ उसी में था, तो वो कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो उन लोग ने कहा कि अगर सर आप मदरबोर्ड रिप्लेस करवाते हो तो कोई चांस नहीं है कि आप डेटा एक्सट्रैक्ट करवा पाओगे। तो हम लोग वापस आए, मैंने एक दो यूट्यूब में देखा कि ऐसा कुछ IC वगैरह का सीन हो जाता है, तो हमारा था कि हम किसी लोकल रिपेयर शॉप से बात करते हैं जिनको एक्सपर्टीज़ रहे। तो मैं गया, एक बंदे से बात किया, एंड देवर लाइक हाँ सर हो जाएगा, हम कर देंगे। बट आफ्टर ट्राइंग फॉर से अबाउट अ वीक ही सेड कि सर हो नहीं पाया।
अभी उसके बाद मैं मेरा वो पुराना वाला वीडियो आता है जो मेरे चैनल का लास्ट अपलोडेड वीडियो है, तो वो येसुस वाले उस पर गया मैं, उन लोग को बताया, उन लोग के पास दिया भी, बट द थिंग इज़ कि वो लोग ने मुझे आखिरी जो अपडेट दिया कि सर इस पर ऑलरेडी पूरा काम हो चुका है और इसको तबाह कर दिया गया, तो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, अगर आप पहले ले आते तो हो जाता। और अभी मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैंने यूट्यूब पे एक बंदे को सर्च किया था, तो उनके पास अगर भेजूँ तो हो सकता है, बट ही स्टिल लाइक कि सर अगर आपने पहले कहीं पे दे रखा है तो शायद, तो मोस्ट लाइकली वो होगा नहीं। फिर भी मैं, वो फ़ोन मेरे पास अभी भी है, वो फ़ोन अभी भी मेरे पास इधर ही पड़ा हुआ है और ये चलता नहीं है, कुछ नहीं होता है, बट I'm still not letting it go. देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो उसी की वजह से एंड ड्यू टू ऑल माई वर्क चैनल पे वीडियोज़ आई नहीं। आखिरी वाला वीडियो, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल दोज लव एंड सपोर्ट, जितना भी व्यूज़ है मेरे लिए आई डिडंट एक्सपेक्ट कि उतना भी आ जाएगा। लोगों को थोड़ी बहुत भी अगर हेल्प हो रही है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड उसके बाद वट आई वुड एक्सपेक्ट कि अभी इसे मूव ऑन करना है और आगे जाना है, और यहाँ से आगे जाकर के जो भी वीडियोस बनाने हैं वो अपने को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो फॉर दैट व्हाट आई हैव प्लान्ड इज, मेरे पास जितना भी वीडियोस डेटा है पहले का, वो हम उसी की तरह ही एडिट करेंगे और वैसे ही अपलोड होगा। कुछ कुछ जगह में वॉइस ओवर आएगा क्योंकि माइक वगैरह कनेक्टेड नहीं था और काफ़ी डिस्टॉर्शन आया है उसमें ऑडियो में ड्यू टू इंटरनल नॉइजेस। तो जो भी है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, फिगर आउट करेंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं। और आई रियली विश कि मैं वो सारा कुछ पर्सपेक्टिव में दिखा पाता, मैं वो सारे इमोशंस व्यक्त कर पाता। मेरे मेमोरी में सारा कुछ है बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू मेक ए वीडियो आउट ऑफ एंड स्टोर इट समवेयर, ताकि लाइक 10 years 20 years डाउन द लाइन मैं देख पाऊँ कि उस टाइम पे क्या चल रहा था मेरे साथ। बट एनीवेज, नो इश्यूज, होता रहता है, हम किसी और दिन चले जाएंगे और फिर से शूट कर लेंगे। सो या, दिस वॉज प्रेटी मच इट, दिस वॉज द अपडेट, एंड यहाँ से आगे की वीडियोज़ आती रहेंगी एंड अभी रेगुलरली वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएगा। सो विद दैट सेट, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव एंड सपोर्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बाकी वीडियोस को चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। एंड सो एज ऑफ नाउ आई एम विशाल, आई एम साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर, बाय बाय।